बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इंटरव्यू पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की बात निकलने वाले बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट फॉर्म डाल रखा है या फिर आपने एक्स फॉर्म डाल रखा था तो फेल हो गए थे, तो उन सभी छात्रों के लिए ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं। केवल 15 से 16 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 15 से 16 क्वेश्चन आप बनने वाले हैं 2022 के टॉपर, सबसे बड़ी खबर है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपने अपने भाई को बताया बीएससी बीकॉम में, एमएससी एमकॉम, ठीक है, बीएड करो, डी फार्मा बी फार्मा कुछ भी कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बोल दो उनसे कि हम सबसे पहले सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नोट्सों को डाउनलोड करने के लिए पेपर हैकर वेबसाइट पर जाना होगा, paperhacker.in की वेबसाइट है जो आपको गूगल पर मिल जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस लिंक पर प्रेस करके देख सकते हैं, वहां जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां बात करें व्यवसायिक का, पहला क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी मार्केट से आप लेके आए हैं उसको ओपन करना है, और आपको पहला क्वेश्चन पर टिक लगाना है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, मतलब कि व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं, उसके घटक कौन कौन से हैं, तत्वों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के, यहां बोला गया है सरकार का जो कह सकते हैं विनियमन योगदान है, विनियमन योगदान को हम उद्यमिता योगदान भी बोलते हैं, उसको क्या है, उनकी क्या समस्या है, ये क्वेश्चन याद करके जाना है। राष्ट्र की जो आय है उसकी परिभाषा, उसकी अवधारणाओं के बारे में, वो कैसे गणना की जाती है आय की, राष्ट्र की आय की गणना कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादी नीति क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उदारवादी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मुद्रा से क्या अभिप्राय, मतलब मुद्रा किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, उनके महत्व क्या होते हैं, मुद्रा कहते किसे, रुपया किसे कहते हैं, वो चीज हम देख रहे हैं। और देखो मुद्रा स्फूर्ति किसे कहते हैं, ठीक है, उनके प्रकार, उनके कारणों के बारे में आपको देख लेना है। भारत में बेरोजगारी का विस्तार और कारण व्याख्या करते हुए बेरोजगारी दूर करने के कारण क्या क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में बेरोजगारी का विस्तार बताना है कि बेरोजगारी कैसे फैल रही है, उनका कारण क्या है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं बेरोजगारी को, ये आप याद करना है। गरीब होता क्या है, गरीबी क्या होती है, गरीबी होने के कारण क्या है, उनको व्याख्या करना है, उन लोग गरीबी को कैसे दूर करेंगे, उन समस्याओं को, उनको सुझाव आपको बताना है। औद्योगिक नीति जो 1991 में आई थी, 1991 में कह सकते हैं, उन पर प्रकाश डालना है, उदाहरण सहित आपको परिवर्तन आपको बारे में बता देना है। यहाँ कह रहा है प्रशुल्क नीति क्या हो, देखो प्रशुल्क नीति जिसे हम राजकोषीय नीति बोलते हैं वो क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, उसकी विशेषता, उनके महत्व के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण क्या होता है, उनमें प्रमुख उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है, उद्देश्यों के बारे में इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उनके आपके बारे में, उसके बारे में आपको याद करना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों की विदेशी व्यापार संबंधी समस्याओं के बारे में आपको याद करना है, मतलब विदेश के जो देश थे उन, देखो यहां बोला गया है जो विदेशी व्यापार चल रहा था देश में, देखो कह रहा है विकासशील देशों की जो विदेशी व्यापार संबंधित समस्याएं थी वो क्या क्या थी, वो आपको देखना है। यहां कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब कैसे की गई थी, क्या कार्य करते थे, वो आपको देखना है, ठीक है। कह सकते हैं अंकटाड की व्याख्या, इसको छोड़ दीजिए, G20 G8 पर टिप्पणी आपको बतानी है, ये क्वेश्चन लिखना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार बताना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है उसके बारे में आपको देख लेना है। और यहाँ बोला गया है आर्थिक समृद्धि की समस्याओं को लिखिए, आर्थिक समृद्धि की जो समस्याएं हैं उनके बारे में। और यहाँ बोला गया है कि नैतिक नीति के महत्व और उदाहरण बताना है, नैतिक नीति क्या होती है उसके बारे में, मुद्रा स्फूर्ति के प्रभाव क्या है, ये मैंने ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। भारत में औद्योगिक रूपांतरण को भी छोड़ दीजिएगा, राष्ट्रीय इसको भी छोड़ दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आपको बताना है, ठीक है। और उसके बारे में नेक्स्ट में यहां है देखो कीमत सिद्धांत, एक है जनतंत्र का वातावरण कीमत सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, बॉक्स में जो भी जो क्वेश्चन मैंने बंद किए हैं वही क्वेश्चनों को पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।